क्या आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी फेसबुक एड्स के टूल्स के ऊपर? वहां मैंने 12 टूल्स बताए थे जो फेसबुक एड्स को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, और अभी बहुत सारे नए टूल्स मेरे हाथ में लगे हैं। तो ये वाला वीडियो सेकंड पार्ट है फेसबुक एड्स के टूल्स के ऊपर। तो आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टूल्स के बारे में जो फेसबुक एड्स यूज करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। पहला जो टूल है दैट इज copygenius.io, एंड इसमें मैं बता देती हूँ दो चीज जो आपके काम आने वाली है। सबसे पहला इसके पास है एड टारगेटिंग आइडियाज, मतलब ये आपको आएगा कि आप कौन से इंटरेस्ट टारगेट कर सकते हो फेसबुक एड्स में। और दूसरा टूल इसका है फेसबुक एड्स की कॉपीज, मतलब कॉपी राइटिंग बेसिकली। तो ये जो एड टारगेटिंग वाला ऑप्शन है ना, इट्स लिटरली बहुत ज्यादा अच्छा, बिकॉज ये बहुत प्रॉपरली बताता है कि आप कौन सी ऑडियंस टारगेट कर सकते हो, और ये आपको एक नहीं आप 5 रिजल्ट्स ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ एथनिक वेयर कुर्ता सेट, यहाँ पे आप आउटपुट सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। आई एम सिलेक्टिंग 5 आउटपुट्स ताकि मुझे ज्यादा यू नो अपॉर्चुनिटी मिले इन ऑर्डर टू चेक कि मेरे को क्या इंटरेस्ट सूट करते हैं। एड टारगेटिंग आइडियाज आपको मिल गए हैं। पहला है जेंडर फीमेल, एजेस बता दिए, इंटरेस्ट भी बता दिए, एंड द इंटरेस्ट आर रियली रियली गुड। ये आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट बताता है जो यूजुअली लोग नहीं समझ पाते हैं। तो दिस इज अ मस्ट यूज टूल, आप इसको ट्राई करके देखो। और इसी में आपको एक और कैटेगरी मिलती है विच इज फेसबुक एड कॉपीज। आपको यहाँ पे अपना प्रोडक्ट का नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने शूज दे दिया, मैंने की फीचर्स लिख दिए कंफर्टेबल समथिंग लाइक दैट। अगर आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आप इसको और अच्छे डिटेल्ड वे में अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दो। आई एम जस्ट टेलिंग यू सम काइंड ऑफ एग्जांपल्स हियर। एंड देखिए इतना प्यारे एड कॉपीज ये जनरेट करके देता है। इसमें से आप सेम मत यूज करो, बट यू विल गेट एन आइडिया कि कैसी एड कॉपीज होनी चाहिए, और इसमें से आप कई सारे आइडिएशन ले सकते हो। मुझे पता है बहुत सारे लोग फेसबुक एड कॉपीज क्रिएट करने में चैट जीपीटी और बार्ट जैसे टूल्स का यूज कर सकते हैं, बट कॉपी जीनियस एक ऐसा टूल है जो बेसिकली फेसबुक एड्स के अराउंड ही टूल्स आपको देता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस पे भी चेक करो, ये आपको एड कॉपीज भी अच्छी देता है और टारगेटिंग आइडियाज भी बहुत अच्छी देता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टूल पे विच इज interestinsights.com, एंड ये भी काफी अच्छा टूल है, ये भी आपको इंटरेस्ट बताता है। लेट्स ट्राई ट्रैवल, क्योंकि ट्रैवल में भी काफी सारे इंटरेस्ट आते हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो, ये भी चूज कर सकते हो आपका मिनिमम ऑडियंस साइज और मैक्सिमम ऑडियंस साइज कितना होना चाहिए। जैसे आप फेसबुक एड्स आजकल यूज करते होगे तो आपको दिखता होगा राइट कॉर्नर में वो बताता है कि आपका जो इंटरेस्ट आपने सिलेक्ट किया है वो कितना ब्रॉड है, कितनी ऑडियंस इसमें कवर होती है। तो यहाँ पे ये आपको बहुत सारे आइडियाज जनरेट करके दे दे रहा है कि कौन से इंटरेस्ट ऐसे हैं जो ट्रैवल कैटेगरी में बहुत सही काम करते हैं। और ये आपको ये भी बता देता है कि कौन से इंटरेस्ट ऐसे हैं, उनका ऑडियंस साइज कितना है, और उसमें टॉपिक्स कितने कवर्ड है। एंड इट ऑल्सो गिव्स यू द लिंक ऑफ फेसबुक एंड गूगल एज वेल। तो ये टूल ट्राई करके देखो, इट्स अ मस्ट ट्राई टूल। अब आते हैं हमारे थर्ड टूल पे विच इज माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, और ये टूल तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट, फ्री टू यूज है माइक्रोसॉफ्ट का, इसे आप इंस्टॉल कर ही लो, क्योंकि ये आपको हीट मैप्स जनरेट करके देता है। इन एडिशन टू दिस इसका बेस्ट पार्ट ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी फुटवेयर स्टोर पे गई ऑनलाइन, मैं चेक कर रही हूँ कि उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, फिर मैं उनके किसी सेक्शन पे गई, मैं उनके नए अराइवल्स पे गई, मैं देखी उनके क्या डिस्काउंट कोड्स हैं। तो इससे समझ आता है कि यूजर आपकी वेबसाइट से इंटरेक्ट कैसे कर रहा है, और वो आपको पूरा लाइव शोकेस करता है कि यूजर वहां पे कर क्या रहा है। इससे आपको क्या समझ आएगा, इससे आप ये समझ सकते हो कि बेसिकली यूजर इंटरेक्ट कैसे कर रहा है और आपको कौन सी चीजें कहां पर अलाइन करनी चाहिए अपनी वेबसाइट पे। क्योंकि अगर बहुत सारे यूजर सेम वे में अगर आपकी वेबसाइट पे परफॉर्म कर रहे हैं या इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपको ना एक आइडिया मिल जाएगा कि आप अपने यूजर्स के लिए अपनी वेबसाइट को और कैसे कस्टमाइज कर सकते हो। तो दिस इज अ रियली रियली गुड टूल जो आपको यूज करना चाहिए। ये आपको हीट मैप्स भी दे देगा जनरेट करके, और कई सारे और इसके पास फीचर्स हैं जो आप एक बार चेक कर सकते हो। द टूल इज रियली ग्रेट और ये फ्री टू यूज है। अब आते हैं हमारे फोर्थ टूल पे विच इज foreplay.co। बहुत अच्छा टूल है, इसको फटाफट आपको लॉग इन करना है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी लॉग इन करके रख चुकी हूँ। आप यहाँ पे 2 मिलियन से भी ज्यादा एड क्रिएटिव्स देख सकते हो, एंड मैं जैसे अपनी हर वीडियो में कहती हूँ एड क्रिएटिव्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एड, क्योंकि एड आपकी ऑडियंस देखती है, बाकी चीजें आपकी ऑडियंस देखती नहीं है। तो ये जो फोरप्ले वाली वेबसाइट है ये आपको बताती है कि कौन से एड्स ऐसे हैं जो इंटरनेट पे अभी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर इंडस्ट्री। आप प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर सकती हूँ, इनके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, लिंक्डइन के एड्स हैं, गूगल के भी एड्स इन पे बहुत जल्दी आने वाले हैं, मैंने इनका नया अपडेट चेक किया था।
टिकटॉक यहाँ इंडिया में बैन है तो कोई मतलब नहीं है, हम फेसबुक के एड्स एक बार चेक करके देखते हैं। एंड इट ऑल्सो सेज कि आपको कौन सी लैंग्वेज में देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंग्लिश सिलेक्ट कर ली। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टूल ये आपको ये भी ऑप्शन देता है कि आप ये चेक कर लो कि कौन से ऐसे एड्स हैं जो अभी भी रन हो रहे हैं या रन नहीं हो रहे हैं। तो आई विल सिलेक्ट कि कौन से एड्स हैं जो अभी भी स्टिल रनिंग में है। तो उससे क्या पता चलेगा, अगर ये एड्स अभी भी रन हो रहे हैं ना, इसका मतलब इनका एड क्रिएटिव काफी ज्यादा अच्छा है। एंड द लास्ट फिल्टर इज योर कैटेगरी। यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो आप कि आपको कौन सी टाइप ऑफ कैटेगरी के एड्स देखना है। मैं यहाँ पे ब्यूटी सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब जैसे ही आप देखोगे यू विल सी अ लॉट ऑफ एड्स जो बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड आई एम नॉट टेलिंग कि आप यहाँ से अपने एड क्रिएटिव कॉपी करो। ये एड ऐसे हैं जो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप इनसे आइडिएशन ले सकते हो कि आपकी एड क्रिएटिव किस हिसाब की होनी चाहिए। और इसके फिल्टर्स बहुत ज्यादा अमेजिंग है। आप बहुत सारी फिल्टर और चेंजेस करके ये पता लगा सकते हो कि आपको किस टाइप ऑफ एड क्रिएटिव यूज करने की जरूरत है, बिकॉज दे शो कि विनिंग एड क्रिएटिव क्या होते हैं। और अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हो या ऐसी कोई चीजें करते हो तो यहाँ पर आप विनिंग प्रोडक्ट्स भी ढूंढ सकते हो। प्रोडक्ट रिसर्च के लिए भी foreplay.co इज अ रियली गुड वेबसाइट। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट टूल पे, विच इज tryatria.com। ये भी foreplay.co की तरह ही है। ये आपको बताती है कि कौन से एड क्रिएटिव बेसिकली मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहे हैं। मतलब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप कौन से ब्रांड्स में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं स्पेसिफिक ब्रांड सिलेक्ट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मुझे मिंत्रा के एड्स दिखें, तो मैंने मिंत्रा सर्च किया, मुझे मिंत्रा मिल गया। ऐसे में बहुत सारे अलग अलग, जैसे इफ आई वॉन्ट टू सर्च अर्बैनिक, आपको अर्बैनिक इंडिया मिल गया। तो बेसिकली मुझे इस टूल को बताना पड़ेगा कि मैं कौन से टाइप ऑफ ब्रांड्स में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि अगर मुझे क्लोदिंग वाली कोई चीजें देखनी है तो मैं इन तीनों ब्रांड को सिलेक्ट करके गेट स्टार्टेड करूंगी ना, तो ये मुझे सारे एड्स दिखा देगा कि उनके कौन से रनिंग एड्स हैं, कौन से एड क्रिएटिव्स अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, और आपको और भी डिटेल्ड इंसाइट देता है। और ये सारे एड्स ना आप सेव करके भी रख सकते हो, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कोई एड क्रिएटिव बनाना है तो आप डायरेक्टली सेव्ड एड्स में जाओ और अपने एड्स चेक कर लो। एंड आई एम सजेस्टिंग कि आप इनसे एड क्रिएटिव्स मत कॉपी करो, बट इन दोनों टूल से आप बहुत अच्छे आइडिएशन और सजेशंस ले सकते हो कि आपके एड क्रिएटिव होने कैसे चाहिए। अब मैं नेक्स्ट चीज की बात करूंगी, विच इज फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। आई नो मैं ये पिछली वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, बट इसकी मुझे एक नई ट्रिक मिली है जिससे आप पता लगा सकते हो कि कौन से एड क्रिएटिव्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और सेल्स जनरेट कर रहे हैं। जब भी आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में जाओ ना, तो आप सर्च करो कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि जो अच्छे ऑथेंटिक और ट्रस्टेबल ब्रांड्स होते हैं ना, वो सीओडी का ऑप्शन देते ही देते हैं। तो आपको ये समझ आ जाएगा कि उनके कौन से एड क्रिएटिव्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा आप किसी भी एड पर जब भी क्लिक करोगे ना, तो आप ये देखो कि उनका सबसे पुराना एड कौन सा है जो बहुत लंबे समय से रन हो रहा है, क्योंकि वो एक ऐसा एड होगा जो उनके लिए जेन्युइनली कन्वर्ट करके दे रहा है और सेल्स जनरेट करके दे रहा है। ऐसे एड क्रिएटिव्स का एक बंडल क्रिएट करो और उसके बाद देखो कि आपकी ब्रांड में किस टाइप ऑफ एड क्रिएटिव फिट होते हैं और उस हिसाब से एड क्रिएटिव क्रिएट करो। इसके अलावा फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में आप विनिंग प्रोडक्ट्स भी ढूंढ सकते हो। मैं बताती हूँ कैसे। आप किसी भी फेसबुक एड अकाउंट में जाओगे किसी भी ब्रांड के, तो आप देखो कि उस बंदे ने कितने एड सेट्स पब्लिश कर रखे हैं। जितने उसने एड सेट पब्लिश कर रखे होंगे, आपको समझ जाएगा कि ये वाला जो बंदा है, ये जो प्रोडक्ट है, ये स्केलिंग फेज में है। मतलब ये प्रोडक्ट उनका काफी ज्यादा बिक रहा है, तो इससे आपको ये समझ आएगा कि ये वाला प्रोडक्ट आप भी बेच सकते हो। और उसके बाद चेक करो कि ऐसे ही सेम प्रोडक्ट और कितने लोग बेच रहे हैं। अगर कॉम्पिटिशन कम है, इसका मतलब देयर इज अ ह्यूज गैप इन दैट प्रोडक्ट सेक्शन, और आप वो प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग के लिए भी चुन सकते हो। सो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में सिर्फ आप फेसबुक एड्स बाय नहीं कर सकते हो, आप ड्रॉप शिपिंग के लिए भी कई सारी चीजें कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फेसबुक एड्स बिगिनिंग से सीखना है ना, तो मेरी ईबुक फेसबुक एड्स क्लिक्स टू कन्वर्जन्स लाइव हो चुकी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये कुछ नए टूल्स थे फेसबुक एड्स से रिलेटेड। आई होप ये टूल्स आप यूज करोगे, बिकॉज दे आर रियली हेल्पफुल। और हाँ, ये वीडियो टोटली फ्री थी, और आपको कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर आप चाहते हो मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन और डिलीवर करती रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को एक थम्स अप दे देना, सो दैट आई कीप मेकिंग मोर कंटेंट अराउंड डिजिटल मार्केटिंग।